अगर 4 साल का मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाए, एक क्षण में बर्बाद हो जाए, किसी को कैसा लगेगा? और किसी का घर लूटता है ना, बर्बाद होता है ना, तो बाहर वाले इंसान बस ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव यही बोल रहे हैं, अरे गया तो गया, क्या हुआ, पैसा तो कमा ही रहा है, कंपनी से डील तो है ही, पढ़ाएगा तो है ही, पैसा तो आएगा ही। यार पैसा सब कुछ नहीं होता है। सब लोग बोले तेरे पैसा पर तो कुछ इफेक्ट नहीं है, तेरे इनकम पर तो कुछ इफेक्ट नहीं है ना। यार लोग बस भूल सकते हैं, जिसके ऊपर बीतेगा वो समझ सकता है। मैं पूरा माजरा बताऊंगा, पहले आप ये चीज देखो, प्रॉब्लम हुआ क्या है। 5 से 6 दिन ना सोए नहीं है, अगर सो भी रहा हूं तो 1-2 घंटा बस वही टेंशन, खा पीने, 2 दिन तो मैं नहाया नहीं यार, सारा दिन 24 घंटा पागल की तरह बस काम कर रहा था। हुआ क्या है आपको मैं दिखा रहा हूँ A to Z, पहले आप ये चीज देखो, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ A to Z चीज। ये मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं काम करता हूँ, जिस लैपटॉप पर भी सबसे ज्यादा विश्वास है, सारा फाइल दिखाता हूँ क्या होगा। अगर माई कंप्यूटर ओपन करने के बाद अपना फोल्डर ओपन करूँ ना, तो देख रहे हैं ये इंक्रिप्टेड फाइल, यानी ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है वो नहीं खुल सकते। आप बोलेंगे भाई ये तो क्वेश्चन बहुत कम नजर आ रहा है, कम नहीं है। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर्टी दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको नजर में आएगा, यहाँ पर देखिए 10,173 क्वेश्चन जो मुझे दोबारा नहीं मिल सकता किसी जिंदगी में, ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं दिला सकता। बताते हैं वीडियो में आए हुआ क्या। देखो एक मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, अगर मैं कुछ भी खोलूँ ना मैथ में, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी खोल लो, मान लो परसेंटेज ओपन करते हैं, देख रहे हैं परसेंटेज के 350 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, सब पर किसी को ओपन करूँगा नहीं खुलेगा। देखो किसी को ओपन करूँगा कोई क्वेश्चन नहीं खुलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं खुलेगा। यहाँ पर अगर मैं देखो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन खुल ही नहीं सकता। देखो यहाँ सारे क्वेश्चन वो है ना जो 4-5 साल में बार बार पूछा गया है। सोचो कितना क्वेश्चन रेडी किया हुआ था, सब एक पल में पानी हो गया। रीजनिंग का हर एक चैप्टर का, मैथ का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन, समझ रहे हैं, रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग देख रहे हैं, रीजनिंग का हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मेरे पास है, समझ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन। डायरेक्शन, बस 25 क्वेश्चन में पूरा डायरेक्शन आपका खत्म कर दूंगा। CGL, SSC, MTA, CGSE, रेलवे, कोई भी एग्जाम में इस 25 क्वेश्चन के बाहर नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, औकात नहीं है। इस 25 क्वेश्चन के अंदर ही हर एक कंसेप्ट मैं आपको समझा, ऐसे क्वेश्चन रेडी किए थे हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का, फिजिक्स हो जो कुछ भी हो भाई सब उड़ गया। देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा 10,000-11,000 से ज्यादा क्वेश्चन उड़ गया, और क्वेश्चन उड़ा बड़ा बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन मेरा रेडी किया हुआ था, एक एक क्वेश्चन मेरा खुद का रेडी किया हुआ था, कोई रेडी नहीं करता है। और 4 साल से रेडी किए थे क्वेश्चन, वही पढ़ा रहे थे, अब क्या होगा ज्यादा, अब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि जहां मैं पहले 8 से 10 घंटा काम कर रहा था, अब मुझे 11 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, रोज जगना पड़ेगा रात को 2 से 3 महीने, ताकि दोबारा से रिकवर सब कर पाऊं। एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, लाइफ में बहुत बार आपने बोला होगा सर आप जब मोटिवेशन देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं सारा दिन पढ़ूं, सब कुछ करूं। भैया आपके मोटिवेशन की वजह से मेरा एग्जाम निकल गया, यहाँ पहुंच गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, अगर किसी भी इंसान के लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है ना भाई, तो वो इंसान ना पता है कौन है, वो इंसान बहुत लकी है, बहुत लकी है, सबसे लकी है इस धरती का इंसान, अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो। क्यों भैया, भगवान ना मानो ना मानो, और जो भगवान को मानते हैं, मेरे मन में तो कुछ ना कुछ आस्था है यार, भले मैं मेहनत करूं लेकिन कहीं ना कहीं लगता है मेरा साथ कोई ना कोई दे रहा है, सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, तो बहुत लकी है। क्यों लकी है, क्योंकि भगवान जज करते हैं कि अगर इसको लाइफ में आगे जो कुछ मिलने वाला है, पहले प्रॉब्लम देते हैं इसको, ये झेल पाता है कि नहीं पाता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ लोग उससे लड़ते हैं, जूझते हैं, भगवान लगता है ये इसके काबिल है, इसको दे, अपना तारीफ नहीं कर रहा, बता रहा हूं आप सभी को, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी उसका है। और प्रॉब्लम में इंसान बहुत निखरता है, अपने रियल टैलेंट को, उसका अलग अलग सॉल्यूशन, अपने काबिलियत को, अपना जान लगाता है, अपना मेहनत लगाता है। कब लगाता है, जब प्रॉब्लम आता है। और लाइफ में अगर आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको झेल भी सकता है, उसका दिमाग काम करेगा, फिर 10 लोगों को बता भी पाएगा। तो प्रॉब्लम ना बहुत बड़ा चीज है, हर एक इंसान के लाइफ में आना चाहिए, और जूझना और लड़ना पड़ेगा। बहुत जब क्या प्रॉब्लम आया है,
टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पड़े रहो पीछे। प्रॉब्लम आता है आपको तोड़ने के लिए, और प्रॉब्लम कुछ दिन के बाद देखता है टूटता नहीं है, बंदा अलग ही चीज का बना हुआ है, तब लाइफ में आप आगे कुछ कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है ना, मैं हमेशा से क्या बोलता हूं, अगर ये सक्सेस है, यहां पर आपको पहुंचना है, तो ये एक दीवार है प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम का दीवार है और आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, इसको पार करेंगे, एक एक कदम तोड़ेंगे तब तो पहुंचेंगे। आराम से नहीं पहुंच सकते एसी रूम में बैठकर, माँ बाप को हजार गलती देकर कि आपने किया क्या, उसका बेटा अच्छा कर रहा है, आपने मेरे लिए क्या किया, उसका उन लोगों को वो चीज है, उसका लैपटॉप है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्या है। माँ बाप को गलती देकर आप नहीं पहुंच सकते, प्रॉब्लम आपको खुद जज करना पड़ेगा, खुद तोड़ना पड़ेगा दीवार, और जब इससे लड़ेंगे ना तब ये टूटेगा। याद रखिएगा, मेरे साथ हुआ क्या, 6-7 दिन से ना पागल की तरह काम कर रहे हैं, सोए नहीं है, नहा 2 दिन से नहाए भी नहीं है, इतना पागल की तरह काम कर रहे थे। आज जाकर फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। समझाते हुआ क्या, आपने देखा होगा 11,000 से ज्यादा फाइल जो क्या हुआ है, करप्ट हो चुका है, उसको मैं दोबारा भी कवर नहीं कर सकता। एक्चुअल हुआ क्या ना, मेरा लैपटॉप काम करते करते ऑफ हो गया। अब जब लैपटॉप बंद हो गया तो मुझे एक्चुअल लैपटॉप का पूरा लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप हो पीसी हो, मैं सब कुछ बना लेता हूं, A to Z, मदरबोर्ड से लेकर सब कुछ बना लेता हूं मैं। भैया ये सीखे है क्या, नहीं मैं कॉमर्स किया हूं, सीखा नहीं हूं। तो भैया आपको अपने मन से आ गया, नहीं अपने मन से नहीं आया, हजारों वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, एक एक चीज सीखा है। तो भैया आपको शौक था क्या कि आप तोड़ कर बनाने का, नहीं, स्टार्टिंग में 2017 में ना लैपटॉप मेरे पास एक ही था, आज तो लैपटॉप वगैरह सिस्टम आप देखेंगे बहुत सारा है, उस समय एक ही लैपटॉप था। तो वो लैपटॉप जब खराब हो गया था ना, तो पैसा भी उस समय उतना था नहीं, तो बनाना स्टार्ट किया, बहुत कुछ सीखे वहां से, करते करते बहुत जानकारी मिलते मिलते परफेक्ट बन गए, समझ रहे। तो लैपटॉप जब बंद हो गया तो मैं पहले, अगर लैपटॉप बंद हो जाए ना कभी भी आपका, तो पहले आप लैपटॉप में F2 मारना। F2 मारने से क्या होता है भैया, लैपटॉप ऑन करके F2 मारेंगे ना, आपका BIOS ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर BIOS ओपन नहीं होता है तो वो क्या होता है, कभी कभी ये की जो होता है वो डिसेबल हो जाता है, या फिर आप F12 मारना डायग्नाइज करेगा कि आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम कहां पर है, चार्जर में है, बैटरी में है, मदरबोर्ड में, सब कुछ बता देगा। एक्चुअल मैंने देखा, मेरा ये काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, अब मुझे टेंशन हुआ क्या लैपटॉप में। दोस्त लोग आए, बोलने लगे नया लैपटॉप ले लेंगे, लैपटॉप तो पड़ा हुआ है, मैं दोबारा काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो फाइल है, जो क्वेश्चन है, जो 4 साल का मेहनत है, वो कहां से रिकवर होगा भाई, वो कहां से लेकर आऊंगा। दिमाग में ये चलने लगा मेरा। उसके बाद लैपटॉप को ओपन किए, मदरबोर्ड को थोड़ा बनाए, सब कुछ, लैपटॉप ओपन हो गया, खुल गया। खुलने के बाद फॉर्मेट मार दिए लैपटॉप को, फॉर्मेट मार दिए। जब फॉर्मेट मारे ना, जब भी आप लैपटॉप फॉर्मेट मारोगे, होता क्या है, मेरा विंडोज 10 था, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी में ना कोई भी फाइल अगर क्रिएट करो तो मेरा आदत था इंक्रिप्ट करने का। कहने का मतलब है, उस फाइल को बस मैं देख सकता हूं, अगर कोई कॉपी करके अपने लैपटॉप में लेकर भी जाएगा ना, फिर भी वो खोल नहीं पाएगा, जब तक मुझे उससे मुझे उसको मेरा परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरा ये आदत था। फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ, दोबारा विंडोज को अपडेट किए, सब कुछ किए, जैसे मैं फाइल ओपन करने गया ना, दिखा रहा है आप ये फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस एडमिन का परमिशन चाहिए था, और जिस एडमिन का परमिशन लेना था वो विंडोज तो मैंने फॉर्मेट कर दिया था, अब वो तो उड़ गए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में देखे कि ओनरशिप को ट्रांसफर करो, या फिर बिट लॉकर सर्टिफिकेट इसी करो, मैं सर्टिफिकेट पहले इशू किया ही नहीं था ना, बिट लॉकर कैसे रिकवर होगा। डेल को फोन किए जिसका लैपटॉप है, वहां से इंसान ना यार, अनपढ़ लोग को इंसान बैठा देता है लैपटॉप के कस्टमर सर्विस में, वो बोलता है सर एक टिकट रेस कर दे रहे हैं, ठीक है आपका मदरबोर्ड खराब है। दिमाग गरम था बहुत ज्यादा, 3 दिन हो चुका था करते करते, इतना गाली दिए ना उसको, इतना गाली दिए, बोले आपको पता भी है लैपटॉप में प्रॉब्लम क्या, BIOS हुआ था, और मैंने लैपटॉप ठीक करने के बाद BIOS को पूरा अपडेट किया। आप BIOS को अपडेट मत करना डेल के कहीं पर भी जाकर ऑफिशियल साइट पर, वरना आपका मदरबोर्ड उड़ जाएगा।
BIOS को अपडेट करते वक्त आपको बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है, और एक चीज आप सब मत करना, ठीक है। दूसरा बात, तो जब उसको मैंने गाली दिया, प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम ये है और आप क्या बोल क्या रहे, फोन मेरा काट दिया। फिर विंडोज के पास फोन किया, माइक्रोसॉफ्ट के पास, वहां से सपोर्ट आया, लड़की हेल्प की। हेल्प करने के बाद बोलती है, सर आपका ये फाइल कभी जिंदगी में रिकवर नहीं हो सकता। मैं समझ गया था पहले ये मेरा बाकी कभी हो नहीं सकता। उसके बाद एक घंटा बैठ कर कम से कम रोए, करे क्या। फिर दोस्त लोग अगर बोल रहे हैं, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, इतना सारा क्वेश्चन है, किताब है, नेट्स है, क्वेश्चन तो फिर से मिल जाएगा, तो बना लेगा। अरे मिल जाएगा, लेकिन 4 साल का मेहनत। वो लोग पैसा की बात कर रहा है बार बार, पैसा तो अभी उतना ही कमा रहा है, उतना ही कमाएगा, ये करेगा। यार हर एक चीज को पैसा से तुलना नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। आपने सुना होगा ना, पैसा से खुशी नहीं आ सकता, सच्चाई है। एक गरीब आदमी भी खुश रहता है और एक अमीर आदमी भी खुश नहीं रहता है, आपने सुना होगा ना। तो पैसा से खुश नहीं हो सकते, मेहनत की बात कर रहे हैं। तो 4 साल मेहनत, मेरा याद, मेरा वो रास्ता पर जगना, उस क्वेश्चन को रेडी करना, वो अब मुझे नहीं मिल पाएगा। अब यही हो सकता है, जहां मैं 8-10 घंटा मेहनत करता हूं, वहां मुझे 12-13 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 महीना, ताकि मैं दोबारा से उसको रिकवर कर पाऊं, पढ़ पाऊं, क्वेश्चन रेडी कर पाऊं। आप लोगों के लिए CHSL के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया था 50 दिन का, कि हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा बेसिक से हाई लेवल तक का, ताकि आपका जिनका भी एग्जाम है वो अच्छे से हो पाए। अब वो क्लास तो 5-6 दिन के बाद ही चलेगा, क्योंकि मुझे, और हाँ, क्लास ऐसा देने वाला हूं ताकि जो क्वेश्चन रिसेंट में पूछे जा रहे हैं SSC के एग्जाम में, वो क्वेश्चन ही कराऊंगा स्ट्रैटेजी के साथ। अब वो क्लास आपको 5-6 दिन के बाद ही मिलेगा, टाइम लगेगा, बस 5-6 दिन आप मुझे टाइम दो। हाँ, लेकिन सुबह 4:30 बजे वाला क्लास जो है ना, वो आप सभी को मिलेगा। याद रखिएगा, प्रॉब्लम में टूटना नहीं है, प्रॉब्लम से जूझना है, लड़ना है प्रॉब्लम से। बहुत सारा स्कोप निकल रहा है अगर एक बार प्रॉब्लम से जूझे। मुझे तो बहुत सारा स्कोप दिखा, भले मेरा फाइल चला गया, दुख है, लेकिन मुझे इस बीच में बहुत सारा स्कोप दिखा। दोबारा रेडी कर सकते हैं फाइल को, अलग अलग दिमाग चला, अलग बहुत कुछ सीखा इसके बीच में यार लाइफ का, कि मुझे एक लैपटॉप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अब मैं अभी 400-500 फाइल दोबारा रेडी कर लिया हूँ, 400-500 क्वेश्चन एक दिन चक्कर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फाइल को ना इस लैपटॉप में भी, बाकी 2 अलग लैपटॉप में भी, प्लस जो आता है ना आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उसमें भी, यानी एक फाइल को 4 जगह रख रहा हूँ। ये चीज सीखा मैंने। प्लस आप ये भी सीखो, देखो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, जूझना है, लड़ना है, टूटना नहीं है। बहुत जन हिम्मत हार जाते हैं, क्या मिलेगा अगर आप लड़ रहे हैं। मैंने मम्मी पापा कुछ बताया नहीं है, क्या हुआ, खुश हो, उनके सामने जाकर तो हंसते हैं, खुश रहते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि कितना मेरे ऊपर बीता है 5-6 दिन में मुझे पता है। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, दोबारा से आपको सारा क्लास कराऊंगा। 5-6 दिन का टाइम जो बाकी आपको जो करेंट अफेयर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 5-6 दिन के बाद पूरा फ्रेश वही क्लास वही चीज के साथ आपके बीच में आऊंगा। हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर जो चलता है वो चलेगा अभी तक भी, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।